सिंध के नाले वाले शायर ताजिल बेवस की याद में सकाफत और सियाहत खाते पारा रांची के मुकामी होटल में संदस दिहाड़ो मल्हायो वियो। वर्सी की इन तकरीब में सिंध के नाले वारन अदीबन शायरन फनकारन अदाकारन सहाफियन ताजिल बेवस के घरबातियन शिरकत कई। ताजिल बेवस की शायरी और शख्सियत से सिंध के नाले वारन शायरन अदीबन दाद धुरियन में डॉक्टर कमाल जामरो डॉक्टर आकाश अंसारी निसार मेमण हिदायत बलोच शमशीरुल हैदरी डॉक्टर फहमीदा हुसैन आगा सलीम ताजिल बेवस अवामी शायर हुयो। संदस शायरी में कुदरत फितरत हुस्न जिंदगी मौत सिंध धरती समेत तमाम घना मौजू डिसण में मिलन था। संदस बोली सोली तशबीहु ला जवाब आहिन जे करे ताजिल जी शायरी पांजी मट पाण आहे। बाकी ताजिल जी शायरी के कें सा भी भेट जी नथो सकजे ना ही उह चेजे त ताजिल बेवस वडो शायर हुयो या शेख अयास। मेहरान टीवी सा विचार वंडींदे नाले वारन शायरन अदीबन कहानीकारन ताजिल बेवस मुतालिक बुधायो। ताजिल बेवस सा तमाम पुरानी समझो त 45 सालन जो लागापो रहयो 1972 का वठी वफात ताई असा वेजा रहयासी सिंध ग्रेजुएट जे हवाले सा। ताजिल बेवस असांजे पुराणनि साथियुनि मां हो। उन खां सवाइ असां ॿाहिरि बि हिंदुस्तान जे दौरे में जेको अदीबनि जो वफ़द वियो हुन में बि आऊं शामिलु हुउसि। ताजिल बेवस सां गॾु हो असां साथी हुआसीं गॾु रहिया पिया हुआसीं ऐं सफ़र में माण्हू हिक ॿिए खे वधीक सुञाणे थो। हू ॾाढो प्यारो माण्हू हो ऐं न सिर्फ़ु सुठो शाइर हो पर उन सां गॾो गॾु हू सुठो नसर लिखंदड़ बि हो ऐं हुन दौरान में ऐं चंद ॾींहनि में पंहिंजो सफ़रनामो लिखी वरितो हिंदुस्तान जो जंहिंमें हुनखे हिकु हिकु शइ जा तफ़सील गॾु करण जो एॾो घणो शौक़ु हो। ऐं सम्झां थो हुन किताब खे पढ़ण खां माण्हू खे अंदाज़ो थिए थो त हिंदुस्तान में छा आहे ऐं हुन जहिड़ जी तारीख़ छा आहे त हू तारीख़ सां वाबस्ता बि हो। आख़िरी ॾींहनि में जीअं तव्हांखे यादि हूंदो पछाड़ खां ॿ साल ज़िंदगीअ जा ताजिल बेवस बाक़ाइदा कॉलम लिखंदो ऐं मुख़्तलिफ़ अख़बारनि में जंहिंमें हू सिंध जे माज़ी ऐं हाल जे मुतलिक़ जेके अहम उहिञाण आहिनि उन्हनि ते लिखंदो रहियो। सो इन हिसाब सां बि हू हिकिड़ो सुठो तहक़ीक़ निगार हो। ॿी ॻाल्हि हो त हिकिड़ो इंसान दोस्त हो भलो माण्हू हो तमामु प्यारो दोस्त हो जेको दोस्तनि जो ख़्यालु करण वारो हो सॼे साथ खे पाण सां गॾु वठी हलण वारो माण्हू हो ऐं उन जी जेका विछोड़ो आहे सो यकीननि असां विसारे न सघंदासीं पर हीअ असांजे नसल जी वॾे में वॾी जेका आहे सा निराशाई आहे त असांजा साथी आहिस्ते आहिस्ते वञनि पिया असीं पाण खे अकेलो थींदा पिया महसूसु कयूं। असांजो साथ जेको आहे संडो रुगो 40 सालनि ताईं हिकिड़े दोस्त ऐं साथी जे हिसे सां रहियो पर हू मुंहिंजो रिश्तेदारी में बि हो अज़ीज़ हो मुंहिंजो मुंहिंजियूं 2 नियाणियूं जेके आहिनि से हिन जे हिकिड़ी हुन जे भाउ जे घर में हिकिड़ी हुन जे पुट जे घर में आहिनि। सो इन जे करे असांजो तमामु वेझो हिकिड़ो नातो हो। शहरी अदब जो नातो त सभिनी अदीबन शाइरनि सां थिए थो पर जेके शख़्सी नाता आहिनि अज़ाज़त जा नाता आहिनि उहे पंहिंजी जाइ ते हिकिड़ा समाजी तौर ते तमामु अहम थियनि था ऐं अहिड़े माण्हू जो जेको आहे जो लाइक़ु फ़ाइक़ु हुजे ऐं अदब जी दुनिया में शहर जी दुनिया में समाजी कमनि में साथी हुजे उनजो विछोड़ो जेको आहे सो तमामु बर्दाश्त करणु ॾुखियो थो थिए। त ताजिल जो जेको आहे वञणु सो हिकिड़ो त कुमैलो हो ओचितो हो ऐं ॿियो त हुन हथ में कुझु अहिड़ा कम खया हुआ जेके अञा हुन मुकमल न कया। 40 रुखनि किताब जेके आहिनि से हुनजा रिथियल आहिनि जिन मां कुझु किताब छपिया आहिनि कुझु किताब अञा रहियल आहिनि पर उहो कमु जेको अधूरो छॾे वियो आहे उहो उनजो अफ़सोसु आहे जेको हू पूरो करे हा ऐं जेकॾहिं उहो पूरो थिए हा त सिंधी ॿोली जो भलो थिए हा उनजी झोल जेका आहे सा शाहूकार थिए हा। असां सभिनी खे जेको ॾुखु आहे उन्हनि खां बहिरहाल
मुझे दुख जो है तो सब आयो शायर फनकार अमन जै सफ़ीर हूँ दुनिया के लिए पंजी धरती जै सफ़ीर हूँ ताजल मां समझा तो शायर की असाजे उन कड़ी जो आखिरी शायर मां सड़े सकांस तो जेको गोठ का शहर डे एकड़ो तसलसल जो गांडापो हो एकड़ी पुल हुई पंजो पान के वरी भी मकली के कब्रस्तान में दफनाए तारीख बनाए वो पंजे ताजल तमाम सुठो तबियतन माठीणो निहायत ही बाझारो इंसान हो संदस खुलूस की माँ तो पर हर मानू तारीफ़ कंदो केतरन ही दोस्तन जे नज़र में हू कंट्रावर्शल हुयो पर मां नथो समझा बहरहाल कड़ी भी महफिल में ताजल के छो तो हू सिंध जे शायर जी सिंध जी शायरी जी सिंध जी धरती जी सुणप बेवस जो जी मां बुधायां त हिकड़ो विछड़ण जो न विसरंदड़ कम है ताजल साहब जो सफ़र में साथी हुजण वरी दात धणी एडो खूबसूरत दात धणी जैसे लफ्ज़ लफ्ज़ में सिंधियत समायल हुए दात समायल हुए एडो वो मू ओचितो ई असा विछड़ी वे तो वो मुझे लिए भी तो दुख जो हो एडो खूबसूरत साथी सर्जंदड़ सर्जनहार मोकलाया वो पर सिंध के लिए वो नुकसान थो बोली ला वो नुकसान थो ताजल की बोली जो पैं डिक्शन हो वो पैंजा लफ्ज़ गालो हो पैं शो उन फिक्र अंदाज भी पैं वो मुझे हिसाब में तो भिटाई साई का जो तसलसल जो है उन पोइट्री जो वो ताजल वट रंग हो ते यो वो नुकसान भी थो तो क्लासिकल शायरी जहाँ असाजे नस्ल तई ट्रांसफर थे हा ताजल का इन इदाव जो कोई भी अस शायर कोने को तेज करें ताजल साई जो विछोड़ो पैं बोली के लिए वो नुकसान है एक तसलसल जो जो है वो ख़त्म थो वो नुकसान है करे ताजल की यादगिरी ये धरती कदें भी विसारे न सकती ताजल जो वो हिस्सों अदब के पोहरे में ताजल साई जो हमेशा याद रो एक शायर होने से गड़ो गड तमाम सुठो इंसान मू हमेशा जो सो कचहरी रही हुई उ कचहरू जो उताक में कचहरू थी जिते या मुझी खुश नसीब हुई तो मुझे भी उतन हो ताजल जी बी वरी वही खूबी होंगी तो केडा वा शायर अचन लेखक अचन या नंढे का नंढो नौजवान शायर हो पर उन्होंने इज्जत उड़ी ओड़ी जैसे उनकी शायरी से गाल तो ताजल बेवस के लिए मैं गाल जरूर कदस तो ताजल बेस पे शायरी में उ लफ्ज़ कतब आंदा जी अस बोली में मतरूक थी चुका हुआ मतरूक जो मैं लफ्ज़ मैं इन कर तो इस्तेमाल क्या माना उ लफ्ज़ जी बिल्कुल ख़त्म थी चुका हुआ माना नौजवान या नई टई उन लफ्ज़न का वाकिफ़ न हुई ताजल बेस उन लफ्ज़न के शायरी में वरी जीरियो गाल तेल जैसे को भी तख्लीकार या कोई शायर अज के दौर में कें लफ्ज़ के जीरे तो तो वो एक सदी अगत लफ्ज़ के जीरे तो छे ताजल बेस में यह वही वही खूबी हुई ताजल बेस जी शायरी बेत वाई ताजल बेस में उनमें तमाम घो पा मलो उनके अलावा उनको एक सिंधियत भी संघ जो सेक्रेटरी भी रही चुको है उनको सिंधियत भी संघ से तमाम गहरो तालुक रो समझा तो ये वो ख्याल है इतने मैं एक गाल जरूर कदस मुझे याद तो पे तो ताजल के सामू भी यह गाल कई रिहाण हुई तो ताजल बेवस की शायरी से बाकायदे से अकेडमिक बहस थे घुर्ज जी आईंदड़ नस्ल इंदड़ नस्ल जो उन शायरी में लाभ पिराए हि जो बरसू थियन ये पैं जहाँ जरूरी है ये एक जिंदा कौम की अलामत है पर मैं ये इन गाल जरूर जोर दींदस तो ताजल के समूरी शायरी से अकेडमिक बहस थे घुर्जे तनकीदी बहस थे घुर्जे छंड छाण थे घुर्जे इन लिहाज का असा हमेशा पोते रहा हूँ ये इन शे की अहम जरूरत है।